16 जून 2013 केदारनाथ में आए सैलाब ने भारी तबाही मचा दी थी। इससे कई लोगों की जान जाने समेत कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। शिव के इस पावन धाम में आए जल प्रलय ने सबको हिलाकर रख दिया था। वैज्ञानिक जहां इसकी वजह ग्लेशियर का पिघलना बता रहे हैं, वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसकी कई वजह बताई जा रही हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको 7 ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जो केदारनाथ की आपदा का कारण थी। और आपको बता दूं कि 7वीं वजह सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहली वजह ये बताई जाती है कि केदारनाथ को शिव के 4 धामों में से प्रमुख माना जाता है और भोलेनाथ की इस नगरी में आए जल सैलाब को लेकर कई धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग तर्क दिए गए हैं। उनके मुताबिक इस प्रलय की वजह काली माँ का रौद्र रूप है। जब भी काली माता किसी वजह से नाराज होती है तो प्रकृति पर उनका रौद्र रूप दिखाई देता है। और अगर हम बात करें दूसरे वजह की, तो केदारनाथ में अचानक बाढ़ का कारण धारी माता का विस्थापना भी रहा है। दरअसल उत्तराखंड से 15 किलोमीटर दूर कालियासुर नामक स्थान में धारी देवी का मंदिर है। मान्यता है कि उनकी वहां स्थापना उत्तराखंड की रक्षा के लिए हुआ है, मगर जून 2013 के दिन सरकारी काम के चलते मूर्ति को थोड़ी देर के लिए वहां से हटाया गया था। लोगों का मानना है कि मूर्ति के हटने के कुछ घंटों बाद ही केदारनाथ में भारी तबाही मची थी। तीसरी वजह ये बताई जाती है कि केदारनाथ में प्रलय का एक अन्य कारण अशुभ मुहूर्त में खोले गए कपाट को भी बताया जाता है। कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने से होती है, मगर साल 2013 में कपाट शुभ मुहूर्त बीत जाने के बाद खोले गए। विद्वानों के अनुसार केदारनाथ में तबाही का ये भी एक कारण रहा है। और अगर हम बात करें चौथे वजह की, तो केदारनाथ में आई तबाही का कारण माँ गंगा का रौद्र रूप भी रहा है। माना जाता है कि धरती के कल्याण के लिए भागीरथ गंगा को लेकर आए थे। उन्हें शिव जी ने धारण किया था, इसलिए उन्होंने देवी गंगा के स्वरूप को बरकरार रखने का वचन दिया था, मगर लगातार गंगा में बढ़ते प्रदूषण ने गंगा के धैर्य का बाण तोड़ दिया। नतीजन केदारनाथ में भयंकर जल प्रलय आई। दोस्तों, 5वीं वजह ये भी हो सकती है कि केदारनाथ में आए बाढ़ को लेकर वैज्ञानिक ने जानकारी दी थी कि इसकी वजह ग्लेशियर के एक बड़े टुकड़े का पिघलना है, जिसके चलते अचानक जल आवेग बढ़ा था और आपदा का कारण बना था। और दोस्तों, अगर बात करें छठे वजह की, तो बहुत से लोग इसे केदारनाथ में बादल फटने की वजह भी बताते हैं, जो अक्सर पहाड़ी इलाकों में होता रहता है। और मंदाकिनी नदी के ऊपर बादल फटने से ये सैलाब आया था। केदारनाथ में आई तबाही की 7वीं वजह और सबसे जरूरी वजह धार्मिक मान्यताओं का कम होना है। जानकारों के अनुसार ज्यादातर लोग केदारनाथ में भक्ति भावना की जगह घूमने के मकसद से आते हैं। कई लोग वहां अनैतिक कार्य भी करते हैं। इससे आहत होकर शिव जी ने विकराल रूप धारण किया था, इसकी वजह से वहां तबाही आई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि केदारनाथ में तबाही की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।